ट्रस्ट मी, गारमेंट सेक्टर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और अभी हम आपके साथ में जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट शेयर करने वाले हैं, ये गारमेंट सेक्टर में जॉब होने वाला है और गारमेंट सेक्टर में काम होने वाला है। आप लोग को कॉल जो करना है इस जॉब के लिए, मेहनाज मैडम को कॉल करना है। जी हाँ, मेहनाज मैडम को कॉल करना है और गारमेंट कंपनी में काम होने वाला है। आप लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझिए, उसके बाद में आप लोग आगे की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम नहीं चाहिए, वो शोरूम में काम करना चाहते हैं। मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, हेल्पर का काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, थोड़ा सा काम उसमें रफली हार्ड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे गारमेंट सेक्टर्स में आपका शोरूम इंडस्ट्रीज में काम रहेगा, काम कोई भी हार्ड नहीं रहेंगे, बहुत ही नॉर्मल काम रहेगा, ईजी काम रहेगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना होगा। सो कंपनी है, गारमेंट शोरूम है और गारमेंट शोरूम में आपका सिंपल सा काम होने वाला है। जॉब रोल रहेगा काउंटर सेल्स बॉय। अब देखिए यहाँ पे काउंटर सेल्स अगर कोई भी वर्ड आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको सेल्स करना होगा, हमें बेचना होगा। बात समझिए, यहाँ पे समझना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे काउंटर सेल्स बॉय का मतलब क्या होता है कि काउंटर पर जो भी प्रोडक्ट है वो दिखाना होता है, तो वो दिखाना पड़ेगा और वो क्या है कि जो भी कस्टमर्स मांगेंगे उनको सर्व करना होगा, देना होगा, विल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पे काउंटर सेल्स बॉय का है, काउंटर सेल्स एंड गिविंग एडवाइस एंड सजेशंस टू कस्टमर्स फॉर द गारमेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है सजेशन देना होगा गारमेंट प्रोडक्ट को लेकर के, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी टारगेट बेसिस जॉब्स नहीं है। लोकेशन इसका बोरो बाजार धर्मतला में होने वाला है, तो बोरो बाजार धर्मतला लोकेशन में काम रहेगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम जो रहेगा यहाँ पे एनी पास कैंडिडेट कैन डू इट। राइट नाउ अगर वो पांचवी पास है तो भी कर सकता है, आठवीं पास है तो भी कर सकता है, दसवीं पास है तो भी कर सकता है। एजुकेशन कोई भी डिमांडिंग नहीं किया गया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो एनी पास कैंडिडेट कैन डू इट है। जेंडर में है मेल कैंडिडेट का अप्लाई, तो यहाँ पे लड़के लोग चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज जो है लेस देन 18 to 40 है, मतलब 18 से 40 साल के बीच में आपका एज का लिमिटेशन होना चाहिए, वेल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 18 से 40 साल तक अगर आपका एज का क्राइटेरिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सैलरी स्टार्टिंग है 9000 से 12000 के बीच में स्टार्टिंग रहेगा। इंटरव्यू होगा पहले नॉर्मल सा, अगर आप पहले से इस डिपार्टमेंट में काम किए हैं, इस इंडस्ट्रीज में काम किए हैं, तो आपको पहले सिलेक्टेड किया जाएगा, वेल अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज रहेगा। इसमें सिर्फ कोलकाता के लोकेशन के कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ड्यूटी सुबह 10:30 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, परमानेंट जॉब है और मेहनाज मैडम का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया। याद रखिए ये जो वैकेंसी है इस चैनल पे आईमैक्स करियर सॉल्यूशन पे एडवर्टाइज किए जाते हैं, आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, वो सारे के सारे जॉब्स पेड होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज और फीस एप्लीकेबल होता है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ भी कमिटमेंट नहीं करूँगा और जॉब पेड होता है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। याद रखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जॉब पेड है और जॉब का रजिस्ट्रेशन चार्ज और फीस एप्लीकेबल है। ये जॉब को जो आपको ये कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेहनाज मैडम कर रहे हैं, और मेहनाज मैडम से ही कोऑर्डिनेशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।